नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। आज की मेरी यह रचना मातृ दिवस के उपलक्ष्य में विश्व की समस्त माओं के श्री चरणों में समर्पित है। मेरी इस रचना का उद्देश्य मां के तप त्याग का गुणगान करना और आज जो हमारे समाज में उस त्याग और तप के देवी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसको भी उजागर करने की है। आइए सीधे कविता के माध्यम से जुड़ते हैं। कविता का शीर्षक है मां। जय हो तेरी है जगवीरा, जय हो तेरी है जगवीरा, तन में तन शुरभित करती है, नौ मास कोख का दुख सह के पापुत्र गर्व से कहती है, हाँ हाँ मैं धन्य हुई आह, कुछ मोती मैंने पाया, जननी मैं जिसका कहलाऊं, हाँ देख यही मेरा जाया, फूली फूली मोदित मन से ले भेंट इष्ट पर धरती है, वेदन अपार सब छोड़ छाड़ जगता का वंदन करती है। माँ और क्या करती है हमारे जीवन में? उंगल का ओर थमाती है। प्रथम गुरु माँ उंगल का पोर थमाती है, चलना शिशु को सिखलाती है। एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी महिला ने पूछा कि स्वामी जी आप बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट। पूछा जाता है आज भी समाज में, पूछा जाता है। मैं स्वामी जी ने कहा जान के क्या करूं, उस संभ्रांत महिला ने कहा कि प्रभु जानना इसलिए है कि मैं चाहती हूं कि मेरा जो बच्चा हो वो भी उसी यूनिवर्सिटी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करे। तो स्वामी जी ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिस विश्वविद्यालय से निकला हूं वो विश्वविद्यालय आप इस दुनिया में नहीं है, और वो विश्वविद्यालय मेरी मां थी। जब स्वामी जी जैसा व्यक्ति इस ढंग का उद्धरण देते हैं तब कविता पढ़ता हूं कि उंगल का पोर थमाती है, चलना शिशु को सिखलाती है, सुत का संबल बन जाती है, छुटकर ममता बरसाती है, पर हाय अबुझका था उसकी निस्वार्थ क्रिया की खाती है, आंचल का अयन बनाती है, सुतलात दांत सह जाती है, हाँ माइन में सुख पाती है, सुत से ना कभी अघाती है, गर रूठ जाए अंशी उसका माँ तुरत विकल हो जाती है, इस तरह पूत का पोषक बन बाधा विघ्नों का करे समन, निज तन को देती है जीवन, सो माँ का ऋणी सदा तन मन, सो माँ का ऋणी सदा तन मन। अब उस त्याग की देवी के साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में 100%, लेकिन अगर 1% का 100वां हिस्सा भी अगर उस त्याग की देवी उस तपस्विनी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये हमारे समाज पर कलंक है, धब्बा है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस धब्बे को इस कलंक को मिटाने में तत्पर हो। आइए मैं बताता हूं उस अनेकों माओं की व्यथा
जिसके पुत्र बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, और वो मां जिसने 9 महीने कोख में रख के अपने लहू को दूध बनाकर उस पुत्र को पिलाया, वो आज किसी अनाथाश्रम, किसी विधवा आश्रम, किसी वृद्धाश्रम या किसी रास्ते के किनारे के फुटपाथ पे बैठ करके अपना जीवन काट रही है। तब कविता से आप सबको आपको जोड़ना चाहूंगा कि पै का अमृत बरसा जिस पे वो आज उसे तरसाता है, जननी को शोकाकुल करके घरनी की आस पुराता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है मां की कीर्ति विस्माता है, भार्या से भाव वचन कहता मां को आंखें दिखलाता है, उसको यह विदित नहीं शायद मां से उसका जो नाता है, आशीष जननी का पाकर ही नर जग जेता बन पाता है, नर जग जेता बन पाता है। और मां का स्थान कहां है कि मां का स्थान बड़ा जग में, भूधाम समाहित है पग में, रे मूढ़ मते मत रह मग में, माछीर प्रवाह तेरे रग में, माछीर प्रवाह तेरे रग में। तो निवेदन कि बस इतना नर को ध्यान रहे, बस इतना नर को ध्यान रहे, उस क्षीर सुधा का मान रहे तो स्वर्ग मही बन जाएगा, गर माता का सम्मान रहे, गर माता का सम्मान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से मातृ दिवस के उपलक्ष्य में समस्त माओं को कोटिबद्ध निवेदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।